के कारण और बाकी अन्य कारणों से भी जो पोल्यूशन इस समय है वो जानलेवा स्थिति में है। बच्चे अपने अपने घरों में मास्क लगा के घूम रहे हैं। कई ऐसे घरों में मैं पिछले एक दो दिन में गया हूँ जहाँ बच्चे घर के अंदर भी मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो हमारे ध्यान में आया, भारतीय जनता पार्टी के ध्यान में, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे से अभी अगर मास्क खरीदना होगा तो उनको सक्षम नहीं होंगे। तो हम लोगों ने आज लगभग 1500 से 2000 मास्क भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से और एक एनजीओ के सहयोग से भी, उसका नाम क्या है, अभियान दिल्ली ने आज हमें सहयोग किया, उसके तरफ से हमने लगभग 2000 मास्क हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य सीधा सा ये है कि पहले तो इस आपदा से हम लोगों को बचाएं, और दूसरा एक सवाल भी खड़ा करना चाहते हैं कि आखिर ऐसी आपदाओं के लिए पहले दिल्ली सरकार क्यों नहीं सोचती। आज अरविंद केजरीवाल जी से ये सवाल खड़ा होता है, मैं करना चाहता हूँ खड़ा, कि आप क्या सिर्फ ट्विटर पे जब आपदा आए तो स्कूल बंद कर दो, अपने घर में रहो, इससे ये समस्या का हल होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। आज आप कह रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री से समय मांग रहे हैं, आपके 20-20 विधायक हैं पंजाब में, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या इसके पहले के साल के उदाहरण को आप नहीं लेना चाहिए था, इसके पहले बैठना चाहिए था? आप जवाब दीजिए कि आपने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस विषय पे कितनी मीटिंग करी? आपने अन्य भी जो पड़ोसी राज्य हैं, अगर आपको लगता है हरियाणा है, जो भी है, तो आपने उनके मुख्यमंत्रियों से कितनी मीटिंग करी? आप ये दिल्ली को जवाब दो। और अगर आपको लगता है केंद्र से भी इसमें कुछ सहयोग चाहिए, तो आप, मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष पूछना चाहता हूँ कि आप लगातार हम आपसे समय मांग रहे हैं फिर भी आप नहीं बैठते हैं, तो क्या आप दिल्ली का दम घोटना चाहते हैं दिल्ली के ऐसी समस्या में डाल के? आपका उद्देश्य क्या है? मनोज जी, लगातार जो